शर्मा जी ने जो है नामांकन पत्र भरा है और बाजार से एक विशाल जनता रैली निकली है, व्यापार मंडल ने स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे? मुनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय टाइम निकाला, लेकिन हमारे व्यापार मंडल ने ये पहले से सोच रखा था कि हमारे अनुग्रह वीर शर्मा जी का अच्छे से भव्य स्वागत किया जाएगा, फूल माला पहनाई जाएंगे और ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, जैसा कि हमारे व्यापार मंडल के सभी दुकानदारों ने ऐसा किया और उनका अच्छे तरीके से भव्य स्वागत करते हुए उनको पूरा समर्थन दिया। पूरा व्यापार मंडल उनकी साथ है, उनके समर्थन में है, उनको बोर्ड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा और कहीं जरूरत पड़ेगी तो नोट से भी पीछे नहीं होगा व्यापार मंडल हीरानगर। और हमारे जो बी एस शर्मा जी हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छी समझ रखते हैं, उन्हें एज ए केंद्र में काम किया, उनको कहाँ से फंड लाना है, कैसे लाना है, अच्छे तरीके से पता है और हीरानगर की अच्छी डेवलपमेंट होगी। और ये जो सीट है ये वन साइडेड डिसाइडेड है, जी जीती हुई सीट है और जे बीजेपी के खाते में पड़ चुकी है सीट और बीजेपी ही जीतेगी। हम एडवोकेट बी शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए तत्पर रहेंगे हर समय। मैं सचमुच कहूँ, मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट के साथ फार्म भरवाए, अपनी पार्टी के एमएलए के भरवाए हैं, एमपी के भरवाए हैं, वो जो जितना जोशो खोश, एक तो जो नौजवान होता ना, तो नौजवान से थोड़ा ऊपर की उम्र, इतना जोश देख रहा हूँ, मेरे भी कासर साल में इतना जोश आ गया ना, आप कह नहीं सकते हैं। वो लोग नाच रहे थे पर चूंकि मैं एक मर्यादा में बंधा हूँ, इनके जोश और उत्साह को देखकर, खुशी को देखकर ना मेरा भी मन नाचने को कर रहा था, पर चूंकि मर्यादा है, बहुत बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। लोगों ने ये सोच लिया है, अपना मन बुला लिया है, तो जहाँ की जो एक ऐसी ताकतें जो राष्ट्रद्रोहियों को अपना समर्थन दे रही है, वो खास तौर से कांग्रेस जिसने नेशनल कांफ्रेंस के साथ जो कश्मीर केंद्रीय पार्टी उनके साथ समझौता करके उनका जो एक अलगाववाद का एजेंडा उसको आगे बढ़ा रही है, हमारी जनता है, आप इनका साथ इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये लोगों ने साबित कर दिया है कि जो जम्मू की जनता हमारी जहाँ की जनता है, ये राष्ट्रभक्त जनता है और इनके लिए पहले देश है, फिर पार्टी और फिर अपना